हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कानपुर यूनिवर्सिटी एनुअल एग्ज़ाम 2020 के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के पास वाला बेल आइकन भी प्रेस कर लें एंड ऑल के बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि कानपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी यानी कानपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। स्टूडेंट के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर ये बताइए परीक्षा होगी या नहीं होगी, मेरा एक पेपर बचा है, मेरा पर्यावरण का पेपर बचा है, मेरे अभी पेपर स्टार्ट भी नहीं हुए हैं। और ख़ासकर बीएड वाले स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे हैं कि अभी तक बीएड पार्ट वन एंड पार्ट टू का कोई भी एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। और स्टूडेंट का कहना है कि यूनिवर्सिटी द्वारा जो नोटिफिकेशन निकला है कि 15 अप्रैल के बाद ही संशोधित परीक्षा कार्यक्रम यानी स्कीम जारी की जाएगी, तो कि ये कन्फर्म है कि अप्रैल लास्ट से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, इस बारे में सर आप बताइए। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के लगातार कमेंट आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप एक इम्पॉर्टेंट बात जान लें कि इन कंडीशंस में किसी भी यूनिवर्सिटी द्वारा एग्ज़ाम कराना संभव नहीं है, क्योंकि आए दिन ये कंडीशन लगातार बढ़ती जा रही है और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की हेल्थ के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करना चाहती। जो कानपुर यूनिवर्सिटी द्वारा एक नोटिफिकेशन निकला है कि आगामी जो परीक्षाएं बची हुई हैं उनका नोटिफिकेशन, उनकी टाइम टेबल, उनकी स्कीम 15 अप्रैल के बाद जारी की जाएगी, वो बिल्कुल पूर्णतः सत्य है। लेकिन उस तथ्य को तभी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है जब तक कि हालात सामान्य ना हो जाएं। और स्टूडेंट जो लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर जो नई स्कीम आएगी उसमें गैप तो होंगे ना, तो बिल्कुल होंगे। ऐसा नहीं कि आज आपका फर्स्ट शिफ्ट में एक पेपर और सेकंड शिफ्ट में एक पेपर, या लगातार आपके एक दो दिन लगातार हो गए, ऐसा नहीं होगा। आपको बिल्कुल गैप दिए जाएंगे, ये हो सकता है गैप में थोड़ी कमी आ जाए। लगभग अगर आप पिछली स्कीम देखें, अगर 5 दिन का गैप है तो गैप में कुछ कमी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि गैप ना हो। तो फ्रेंड्स, फाइनली कन्फर्म है कि हालात सामान्य होने पर ही अप्रैल में बची हुई परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। और फ्रेंड्स, कन्फर्म रहे कि जो नई संशोधित स्कीम आएगी उसमें आपको आसानी से 7 दिनों का टाइम दिया जाएगा, उसमें आसानी से आप जहां कहीं भी हो घर आ सकते हैं और आसानी से पेपर दे सकते हैं। ये नहीं कि आज स्कीम आई और कल से आपका पेपर स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं होगा। लगभग आपको 7 दिनों का टाइम पीरियड दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, फाइनली ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा चैनल का लोगो, नेम है, उस पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।